तो आज हम देखते हैं डेटा फेच कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक ये शीट है जिसका नाम है रिजल्ट कंपाइल शीट। इसमें तमाम स्टूडेंट्स का डेटा हमें नज़र आ रहा है, यानी कि इसमें 8 स्टूडेंट्स का डेटा, 7 स्टूडेंट का डेटा हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे तो सबका डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबका स्कोर कार्ड अलग अलग बना लें। तो उसमें ये हो कि जिसका भी रोल नंबर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे 3 लिखूँ, तो 3 नंबर रोल नंबर जिस स्टूडेंट का है उसका पूरा डेटा यहाँ से रो से रीड करें और यहाँ पे लाके इस तरीके से दिखा दे। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे कि करने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्लिक किया और सीट नंबर 1 लिखा, एंटर किया। उसके बाद रिज़ल्ट कंपाइल्ड में गए, यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस लिख रखे थे और यहाँ पर इस तरीके से हमने करना है। कैसे करना है देखें, सबसे पहले आपने इसका सीट नंबर पहले वाले का यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये सब लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्ट करके अब यहाँ से जाके ऑल फोल्डर्स और यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए शेरो, सैयद, हम्माद और ये मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जितना बड़ा डेटा का कंटेनर है उस सारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। उस सारे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे फार्मूला में, डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे और इस डेटा का नाम दे देते हैं। सपोज़ टू बी मैं इसका नाम दे रहा हूँ एस डेटा। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया। इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे स्कोर कार्ड पर आना है। स्कोर कार्ड पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एक फंक्शन लगाना है जो ये काम करेगा, लेकिन उससे पहले इस वाले सेल को एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं, फार्मूला में जाके डिफाइन नेम में इसको भी एक नाम दे रहा हूँ, जैसे SSNO, इसको एक नाम दे दिया विदाउट स्पेस, विदाउट नंबर, और यहाँ पर 1 लिख दिया। 1 बिलोंग टू द स्टूडेंट नंबर 1, मैच करना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, लुकअप एट रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से नीचे लाएंगे एक फंक्शन जिसका नाम है वर्टिकल लुकअप। जैसे ही वर्टिकल लुकअप पे क्लिक करेंगे तो वर्टिकल लुकअप हमसे 3 चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। पहली चीज़ है रेफरेंस ऑफ द सेल, कि भाई इस सेल का रेफरेंस क्या है। तो उसने कहा इस सेल का नाम है, मैंने पहले भी नाम रखा था सीट नंबर, तो ये सीट नंबर शो कर रहा है, आप जो नाम रखेंगे वही शो करेगा। फिर इसने कहा कि इसमें से डेटा ले जाके कहाँ पे मैच करूँ, तो मैंने कहा उसका नाम हमने रखा था एस डेटा में सर्च करो। तो वी लुकअप फंक्शन यहाँ से वैल्यू लेगा और उसको सर्च करेगा एस डेटा के अंदर, एस डेटा में करेगा और यहाँ से सेकंड कॉलम से आपको डेटा का रिजल्ट देगा। उसके बाद लुकअप रेफरेंस में आप लिखेंगे 0। 0 का मतलब है इक्वल मैच, कि अगर 1-1 से मैच हो तो डेटा लेना है, 1-10 से, 1-11 से, 1-11 से मैच हो तो डेटा नहीं लेना है। इसके बाद ओके करना है। तो देखें यहाँ पर आप नोट करेंगे कि यहाँ पर 1-1 मैच हुआ और सेकंड कॉलम से आपको डेटा मिल गया। वंस अगेन देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, लुकअप एंड रेफरेंस में गया, वर्टिकल लुकअप पे क्लिक किया, सेल का रेफरेंस दिया, यहाँ पर टेबल का नाम रखा एस डेटा और मैंने कहा उसके सेकंड कॉलम से मुझे डेटा दे दो। अगर 1-1 से मैच हो, यानी कि ये वाला 1 उसके फर्स्ट कॉलम के 1 से मैच हो, तो सेकंड कॉलम से मुझे डेटा दे दो। और मैचिंग क्राइटेरिया हमने 0 डिफाइन किया। जैसे ओके किया तो यहाँ पे डेटा मिल गया। सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लुकअप एंड रेफरेंस, वर्टिकल लुकअप, क्लिक करने के बाद वंस अगेन बताएंगे एस डेटा और अब यहाँ पे दूसरे के बजाय तीसरे कॉलम का डेटा चाहिए और यहाँ पे मैचिंग क्राइटेरिया क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसको क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा और जब डेटा आ जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब तीसरे के बाद चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए। बार बार ये फंक्शन लगाएंगे तो हमें मुश्किल भी होगी, रिपीट भी करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। एक फंक्शन है जिसका नाम है रो, वो भी हमें यही मिलता है, रो फंक्शन। इस रो फंक्शन का काम ये है कि ये क्या काम करता है, तो जैसे हम इस रो फंक्शन को अप्लाई करते हैं जिस भी रो के ऊपर, तो उस रो का नंबर रिटर्न कर देता है, उस रो का नंबर रिटर्न कर देता है। तो अब इस रो का नंबर जब ये रिटर्न कर देता है तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रो फंक्शन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं और इस वैल्यू में मिसाल के तौर पे ये 10 रिटर्न कर रहा है लेकिन मुझे यहाँ 9 चाहिए और 1 चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ इस फंक्शन के साथ, तो मैं इसमें से -9 कर दूँगा कॉन्स्टेंट नंबर्स में,
ठीक है, और जैसे कांस्टेंट माइनस साइन वन करूँगा तो ये वन दे देगा, जब मैं इसको वन के साथ ड्रैग करूँगा तो ऑलवेज़ ये माइनस नाइन करता जाएगा, टू थ्री फोर फाइव इस पे अप्लाई होता चला जाएगा। इसके बाद आ जाएँ यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेंट के ऊपर, तो फिर अब हम लुकअप एंड रेफरेंस पर जाएंगे, वर्टिकल लुकअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें थर्ड कॉलम का डेटा चाहिए, तो हम इसको रेफरेंस करेंगे कि इसको मैच करो, किससे मैच करो, एस डेटा के साथ मैच करो, और जब मैच हो जाए तो हमें थर्ड कॉलम का डेटा दो। तो अब यहाँ पर इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे, यहाँ पर रो फंक्शन को लिखेंगे और दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो ये हमें रो नंबर कौन सा रिटर्न कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है, जो कि इस रो का नंबर है, और इसके आगे कांस्टेंट में हम क्या लिख देंगे, माइनस नाइन, तो ये 1 रिटर्न करेगा। हमें तो 3 चाहिए, माइनस 7, तो इसने क्या रिटर्न किया, 3 रिटर्न किया, तो 3 इसका तीसरे कॉलम का डेटा ले आएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखें गलत आ गया, माइनस 3 नहीं करना था, माइनस 7 की जगह पे माइनस 6 करना था, चौथे कॉलम का डेटा चाहिए था, क्योंकि 1, 2, 3 और 4, तो 6 किया, एंटर किया, तो चौथे कॉलम का डेटा आ गया। चौथे कॉलम के डेटा में देखें, फोर्थ कॉलम के डेटा में 98 है इसके इंग्लिश के मार्क्स, और इंग्लिश के मार्क्स इसके इंग्लिश के मार्क्स के सामने आ गए। अब बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम ड्रैग करते जाएंगे वैसे वैसे ये डेटा खुद ही यहाँ पे ले आएगा। और उसके बाद सिर्फ परसेंट वाले पे क्लिक करके होम में जाके परसेंट साइन पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह हर बच्चे का स्कोर कार्ड अब ये ऑटो जनरेट करेगा। कैसे, सीरियल नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट नंबर 6, सीट नंबर 7, सीट नंबर 8। अब 8 के बाद डेटा नहीं है, चलें 8 पे हम डेटा डालते हैं इसका, जतिन कुमार, अब्बू का नाम क्या है, साधु राम, ठीक है। इसका स्कोर पुट अप करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए इसका टोटल परसेंटेज ग्रेड आ गया और स्कोर कार्ड में भी जतिन कुमार का डेटा आ गया। अब सिंपली हम इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके जब बच्चे का डेटा फेच भी कर लिया और उसको प्रिंट करके देना चाहते हैं, पेज लेआउट में जाएंगे, सेट क्राइटेरिया करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरा कार्ड यहाँ पर अलग से हम हर बच्चे का अलग करके प्रिंट दे सकते हैं। ये हमारे रिकॉर्ड के लिए सारे बच्चों का रिजल्ट, और अलग अलग बच्चों का रिकॉर्ड बनाने के लिए या डेटा देखने के लिए, फेच करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक हम हर तरह से अप्लाई कर सकते हैं हर शीट के ऊपर। बहुत सारे कस्टमर हैं, एक कस्टमर का डेटा देखना है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का देखते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, एक एम्प्लॉय का डेटा देखना है, बहुत सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, एक प्रोडक्ट का डेटा देखना है, सेल का देखना है, इनकम का देखना है, तो ये डेटा फेच करने की टेक्निक आप लगा सकते हैं, बाय यूनिक नंबर, बाय नेम पे भी लगा सकते हैं, बाय सीट नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।